Vanya Road, Sirsa. For details, call 9254-1366-42-43-4445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Mera Gaon, Mera Shahar, Meri Mati. मेरी संस्कृति मेरी विरासत मेरा हरियाणा नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। शुरुआत फटाफट खबरों की तरफ। सीबीआई ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के चेन्नई स्थित निवास और कीर्ति चिदम्बरम के करई कुर्ती के घर में छापा मारा। बताया जा रहा है कि छापेमारी आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी को लेकर की गई है। एनएक्स मीडिया के मुखिया पीटर मुखर्जी हैं। पीटर मुखर्जी शीना बोरा मर्डर केस में भी जांच का सामना कर रहे हैं। एनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में सोमवार को ही एफआईआर दर्ज की गई थी। एनएक्स मीडिया के फंड को एफआईपीबी के जरिए मंजूरी दी गई। इस दौरान पी चिदम्बरम विभाग के मंत्री थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू प्रसाद यादव और सांसद प्रेमचंद गुप्ता के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापा बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान लालू यादव के अलावा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटों के घरों पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार लालू की अवैध संपत्ति को लेकर खुलासे करते रहे हैं और इस मामले में उन्होंने करीब 40 दस्तावेज पेश किए। कल नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर इस मामले में विपक्ष के पास कोई प्रूफ है तो वो जांच करा ले। कुलभूषण जाधव मामले पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने अपनी दलीलों से पाकिस्तान की करतूतों को बेनकाब कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने लचर दलील दी और अपनी सफाई पेश की। बहस की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने जाधव पर लगे आरोपों को मनगढ़ंत और सैन्य अदालत की ट्रायल को हास्यास्पद करार दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील देने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया। भारत की तरफ से जाधव केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश सालवे को नियुक्त किया गया था। सोशल मीडिया में एक व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लिखा है कि कुलभूषण केस में हरीश सालवे ने मात्र 1 रुपया फीस ली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री पद से हटाए गए आप विधायक कपिल मिश्रा ने सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अनशन खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप नेताओं की विदेश यात्राओं का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग को लेकर मिश्रा पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा करते हुए राज्यपाल पर कागज फेंके। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा को स्थगित करना पड़ गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि वो एक साथ मुख्यमंत्री और सांसद के पदों पर कैसे रह सकते हैं। अदालत के लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को समन भेजा है। समाज सेवी संजय शर्मा ने सोमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर सांसद तनख्वाह और बाकी सुविधाएं ले रहे हैं, लिहाजा वो यूपी सरकार में सत्तानाशी नहीं हो सकते।
हरियाणा में हांगकांग और सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए विदेश दौरे पर जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हांगकांग और सिंगापुर के डेलीगेशन के अलावा हरियाणा के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान 21 से 24 मई तक वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रदेश सरकार स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की तैयारी में है। इसमें आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बताया कि ये परियोजना 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में शुरू हो जाएगी। सरकार की इस परियोजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से भी राशन ले सकता है। वहीं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इस सुविधा में अभी शामिल नहीं किया गया। आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानेसर प्लाट आवंटन मामले को लेकर चंडीगढ़ में सीबीआई दफ्तर पर करीब 6 घंटे तक हुड्डा से पूछताछ हुई। हालांकि इस मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने पिछले दिनों हुड्डा के कई ठिकानों पर रेड भी की थी। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान पार्टी उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि 25 मई तक अगर प्रशासन ने सड़कों और पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो पार्टी आंदोलन चलाएगी। झज्जर पहुंचे अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष किया। अभय चौटाला ने कहा कि जिस पार्टी के 16 विधायक और 8 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 मंत्री बगावत पर उतर आए तो वो पार्टी कैसे प्रदेश का विकास कर सकती है। कोसरी के कोठड़ा टप्पा गांव में छात्राओं की मुहिम रंग लाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने स्कूल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। रोहतक में सोनीपत की युवती से गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश जारी किए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि 5 युवकों ने महिला से दुष्कर्म किया था। साइबर सिटी गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी किया है। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ले रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट की युवती से स्विफ्ट कार में सवार 3 युवकों ने रविवार को चलती कार में गैंगरेप किया था और बाद में युवती को गाड़ी से फेंककर फरार हो गए थे। इधर कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने गुरुनाम सिंह चंदूनी को रिहा करवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। किसान यूनियन ने मांग की है कि पार्टी के नेता गुरुनाम सिंह चंदूनी को जल्द रिहा किया जाए। आपको बता दें कि गुरुनाम सिंह चंदूनी को पुलिस से धरने से गिरफ्तार किया गया। टुहाना में वक्फ बोर्ड की नई किराया नीति के विरोध में विभाग का पुतला जलाया गया। वक्फ बोर्ड से नाराज किरायेदारों ने शहर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। फतेहाबाद में चयनित जेबीटी टीचर्स ने स्कूल अलॉट करने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। जेबीटी अध्यापकों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल अलॉट नहीं किए जा रहे। फतेहाबाद में करीब 550 के करीब अध्यापक हैं जिन्हें स्कूल अलॉट किए जाने हैं। खबर एक्सप्रेस में फर्जी ट्यूबवेल कनेक्शन मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने किसानों की मांगों को मान लिया और किसानों को अब 1,500 रुपए में स्थायी कनेक्शन भी मिल जाएगा।
धरौंदा में पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए के चेक चोरी के मामले को लेकर श्याम ट्रेडिंग कंपनी के मालिक नरेश कुमार का ये कहना है कि उसने 6 मई को पीएनबी बैंक में 1 लाख रुपए का चेक जमा कराया था, लेकिन बैंक प्रबंधन और अधिकारियों की मिलीभगत से चेक को दूसरे के अकाउंट में क्लियर करा दिया गया, उसका सारा पैसा भी निकाल लिया गया। वहीं बैंक प्रबंधन सारे आरोपों को निराधार बताकर जांच की बात कर रहा है, तो वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करनाल के उपायुक्त मनदीप सिंह बराड ने ये कहा कि अब जिले को आवारा पशु मुक्त कराने का ऐलान किया है। बराड ने कहा कि हरियाणा राज्य 15 अगस्त 2017 तक आवारा पशु मुक्त राज्य होगा और आगामी 30 जून तक पहले चरण में राज्य के 11 जिले के आवारा पशु मुक्त हो जाएंगे। नूह में पानी की समस्या विकराल होने लगी है। नूह के ज्यादातर गांवों में पानी में टीडीएस की मात्रा ज्यादा होने के चलते पेट और दांतों की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। पानी खारा और गंदा होने की वजह से लोगों को प्यास बुझाने के लिए टैंकरों पर भरोसा करना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर स्वीकार कर रहा है कि ज्यादातर गांवों में भूजल खराब है। रेवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी आसपास के गांव के रहने वाले थे। सुबह वो सभी कंपनी पर ड्यूटी के लिए निकले थे। हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार महेंद्रगढ़ रोड पर सीहा गांव के पास सामने से आ रहे तूड़ी से भरे ट्रैक्टर से जा टकराए, जिसके बाद कार एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की अस्पताल के दौरान इलाज करते वक्त मौत हो गई। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। लोगों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर रोज तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। लोगों को गर्मी से राहत तभी ही मिल सकती है जब बारिश हो सके, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून भी जून के आखिर में पहुंचने की संभावना है। ऐसे में लोगों को ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से गर्मी से बचे उपाय भी करने पड़ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 20 से 21 तारीख को हिसार के साथ हरियाणा में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल 2 रुपए 16 पैसे तो डीजल 2 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें बीती आधी रात से लागू हो गई। बीते 1 मई को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2 पैसे और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 52 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 16 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए 39 पैसे, डीजल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ प्लेऑफ के निर्णायक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की टीम मात्र 73 रनों पर ऑल आउट हो गई। पुणे ने आसानी से मुकाबला 9 विकेट से जीतकर प्लेऑफ में अपना जगह बना लिया है। किंग्स 11 पंजाब की इस करारी हार में कप्तान ग्लेन मैक्सवेल समेत सभी विदेशी खिलाड़ी फ्लॉप रहे।
किंग्स इलेवन पंजाब के बाहर होने के बाद टीम के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन वीरेंद्र सहवाग ने टीम के विदेशी खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस हार के बाद वीरेंद्र सहवाग टीम के विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर बरसे। सहवाग, लेन मैक्सवेल, मार्टिन गिप्टल, आयन मार्गन और शायन मार्श के खिलाफ प्रदर्शन से काफी नाराज दिखे और उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। आईपीएल के 10वें सीजन के प्लेऑफ की तस्वीर साफ हो गई है। प्लेऑफ के लिए चार टीमों का क्रम स्पष्ट हो चुका है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट की किंग्स इलेवन पंजाब पर जीत के साथ ही शीर्ष चार टीमें तय हो गई हैं। पुणे टॉप टू टीम बन चुकी है, जबकि हैदराबाद और कोलकाता तीसरे और चौथे स्थान पर है। आईपीएल के सीजन 10 में फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के अंडर 19 खिलाड़ी नयन शाह से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। इस मामले में सट्टा किंग बंटी खंडेलवाल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच के दौरान बंटी पिच पर तेजाब भी डलवाना चाहता था, ये बात एक ऑडियो क्लिप के जरिए सामने आई है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल की को स्टार निधि अग्रवाल जिस किराए के घर में अब तक रह रही थी उनसे जबरन वो खाली करवा दिया गया है। घर खाली करवाए जाने की वजह से उनका सिंगल स्टेटस बताया गया है।